विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पुत्र, आज कई युगों के बाद तुम्हारी माँ निश्चिंत होकर सोई है। मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं निद्रा भंग ना हो जाए। मैं तो इसीलिए हिल भी नहीं रहा। ये कैसी भूल कर रही हूँ मैं? एक माता से उसकी ममता का सुख छीनने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये अनुचित है। मैं गणेश की माता हूँ और रहूंगी भी, किंतु देवी अदिति भी तो उसकी माता है ना? प्रेम की यही रीत है, त्याग और समर्पण। जहाँ ये दोनों है वहीं प्रेम पनपता और बढ़ता है। पुत्र, तुम्हारी पूर्व जन्म की माता बहुत त्याग बहुत प्रतीक्षा कर चुकी है। अब त्याग और प्रतीक्षा करने का समय मेरा है। माता, माता, माता। माता, माता, देवी पार्वती या और विनायक ने उन्हें माँ क्यों बुलाया? मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। ओह, तो देवी पार्वती विनायक के इस अवतार की माँ है और कदाचित अपने पुत्र को यहाँ देखकर उनसे रहा नहीं गया। ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है? एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है। पुत्र, तुम में मैं अपने पुत्र विनायक की झलक देख रही हूँ। तुम्हें पाकर मैं अपने वात्सल्य में इतना खो गई थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे विनायक होने के साथ साथ तुम देवी पार्वती के गणेश भी हो। पुत्र, तुमने तो अपना वचन निभा दिया है। मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया है। किंतु पुत्र, यदि मेरे सुख से दूसरी माँ दुखी हो तो ये उचित नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तुम तो देवी पार्वती के नंदन हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है देवी पार्वती को प्रसन्न रखना। देवी पार्वती को यूं यहाँ से इस प्रकार विचलित होकर मत जाने दो। एक माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ पुत्र, जाओ। माता, गणेश मेरा पुत्र,
माँ की गोद में आए निघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघ्न हरता, अद्भुत बालक पर जाओ पुत्र, प्रेम लुटाती अपनी माता को और प्रतीक्षा मत करवाओ। जग में उसे बना माता, माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। मेरा पुत्र, मेरा गणेश, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अदिति, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी। मेरा मन इतना व्याकुल था इस विचार से। नहीं देवी पार्वती, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको आपकी ममता यहाँ ले आई है। आप तो जगत जननी हैं, ममता का सागर है आपके भीतर, फिर आप उस सागर को कैसे रोक सकती थी। ममता का सागर जो आपके भीतर है वो तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। सतयुग से द्वापर युग तक आपने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की, और मैं तो दो पहर भी स्वयं को रोक नहीं सकी। इसलिए मैं गणेश की माता आपको ये आशीष देती हूँ, प्रत्येक संकष्टि जो गणेश की पूजा और व्रत के लिए विशेष दिवस है, जिस दिवस मेरे पुत्र ने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया, उस संकष्टि के दिवस गणेश आपसे मिलने इस आश्रम में अवश्य आएगा। और पुत्र गणेश, तुमने भी अपनी माता की ममता का जैसा मान रखा है वो भी अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें भी आशीष देती हूँ, जो भी नारी संकष्टि व्रत संपूर्ण निष्ठा से करेगी उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र, अभी तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जाओ पुत्र, देवी पार्वती तो तुम्हारे इस अवतार की माता है, इनका पूरा अधिकार है तुम पर। और फिर जगत जननी ने तो मुझ पर एक विशेष कृपा की है, प्रत्येक संकष्टि तुम्हारा साथ मिलने का आशीष देकर मैं बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी पुत्र, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। आ, 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 आ,
क्या हुआ प्रिय, आप इतनी उदास क्यों हैं? भाग्यशाली होती है वो माँ जिनके आंचल की छांव में संतान पलती है। देवी अदिति और देवी पार्वती दोनों को ये सुख प्राप्त है। देखिए ना स्वामी, किस प्रकार माँ और पुत्र एक दूसरे का हाथ थामे जा रहे हैं। और अब तो संसार की सभी नारियों को जगत जननी ने आशीर्वाद भी दिया है, जो संकष्टि व्रत करेंगी उन्हें गणेश के समान आज्ञाकारी और स्नेही संतान का सुख मिलेगा। परंतु हम देवियों का क्या प्रभु, जिन्हें उन्होंने आशीष नहीं माँ बनने के सुख से वंचित रहने का अभिशाप दिया, तो क्या वो उस श्राप को लौटा कर मुझे संतान सुख का वरदान देंगे? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। बताइए ना स्वामी, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है ना आपके पास? तो उचित है जिन्हें इसका उत्तर देना चाहिए, अब ये प्रश्न भी मैं उन्हीं से पूछूंगी। प्रिय, पुत्र, तुम्हें देवी अदिति के हाथों के बने लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे थे ना? तो पुत्र, मैं सोच रही हूँ अब मैं तुम्हारे लिए मोदक बनाना बंद ही कर देती। नहीं माता, ये क्या कह रही हैं आप? लड्डू तो विनायक को भाते थे, किंतु मुझे तो आपके हाथ के मोदक ही सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। पुत्र, मैं तो परिहास कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए मोदक अवश्य बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है माता, सब निस्तेज क्यों हो रहा है? प्रकृति का सौंदर्य फीका क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है देवी, क्योंकि संसार में जो शोभा की स्रोत है, जो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है, वो अत्यंत दुखी है। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और वो उसे प्राप्त न हो, तो विचलित होना तो स्वाभाविक है देवी। ऐसा ही देवी लक्ष्मी के साथ हुआ है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। ये तो मेरी ही भूल का परिणाम है। ममता के बहाव में मैं इतना बह गई कि अपने शब्दों से देवी लक्ष्मी को आहत करती रही। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? क्या बोलकर मनाऊंगी मैं देवी लक्ष्मी को? ये तो आपको भी याद है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता, इसके पीछे भी अवश्य कोई बड़ा कारण छिपा है। नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वल्विन्नं ब्रह्मासि। कारण जो भी हो स्वामी, किंतु अभी तो मुझे देवी लक्ष्मी का सामना करने से भी संकोच हो रहा है। और यदि गणेश की माँ, गणेश की माँ सुनती है, गणेश की माँ कहाँ है आप? यहाँ आइए गणेश की माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। गणेश की माँ। प्रिय, ना मुझे मातृत्व का अनुभव है और ना ज्ञान। मैं नहीं समझ सकती एक माँ की ममता।
तो उचित है। मुझे भी मातृत्व का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे भी माँ बनना है। क्या आप मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे सकती हैं? महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस कैसे किया? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। किंतु आप कैसे दे सकती है आशीष? आपने ही तो हमें श्रापित किया। कहिए, क्या आप अपना श्राप लौट आएंगे? ये मैं कर सकती तो अवश्य करती। तो आप नहीं करेंगी? दुखी नहीं, मुझे सुखी होना है। देवी पार्वती, मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त करना है। मैं उससे क्यों रहूं वंचित, बताइए आप। हे जगत जननी, आज सखी बनकर नहीं, जगत जननी के रूप में मुझे भी आशीष दीजिए। जिस प्रकार आपने गणेश की संकष्टि व्रत और पूजा करने वाली संसार की प्रत्येक नारी को आशीष दिया है, उसी प्रकार मुझे भी कृपा कर आशीष दीजिए माता। कही है ना महेश्वरी, आप मुझे भी आशीष देंगी ना? जिस प्रकार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो आप भी जानती हैं देवी, श्राप से सभी देवियां प्रभावित हुई, केवल आप नहीं। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, उसके भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और उसे प्राप्त ना हो, तो ऐसे विचलित होना स्वाभाविक है। देवी लक्ष्मी के साथ भी यही हो रहा है, जिससे संसार प्रभावित हुए बिना कहाँ रह सकता है। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, तो भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। उसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं कार्तिकेय और गणेश। हमारे हृदय में आशा का दीप तो आपने जला दिया महादेव, किंतु इस दीप को आपके मार्गदर्शन रूपी घृत की आवश्यकता है। गणेश ही तो है वो आशा का साकार रूप, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी का अवतार, और महागणाधिपति आशा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। आपकी आशा के दीपक को ज्योति वही प्रदान करेंगे। विद्यार्थी लाभते विद्याम, धनार्थी लाभते धनम, पुत्रार्थी लाभते पुत्रम, मोक्षार्थी लाभते गतिम। अर्थात जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी की उपासना करता है, उस विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को गति, और संतान की इच्छा रखने वाले को संतान प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। उचित है महादेव, हम दोनों महागणाधिपति जी की उपासना करेंगे।
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं लिङ्गराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञयत्मधेन्दरं न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वाभिधीतरं प्रभो। प्रभु हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। हे प्रभु, हे देवव्रत, हे सिद्धिदाता, जो सभी को ज्ञान, सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। हे वरदान देने वाले वरा गणपति, मुझे भी माता बनने का वरदान प्रदान कीजिए। हे देवी लक्ष्मी, आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको विधिवत अष्ट विनायक की परिक्रमा यात्रा पूर्ण करनी होगी, क्योंकि जो भी भक्त ऐसा करता है मैं उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करता हूँ। प्रभु, अष्ट विनायक की यात्रा करना तो मेरे लिए परम सौभाग्य होगा, परंतु आप अष्ट विनायक यात्रा की विधि का मार्गदर्शन कीजिए। अष्ट विनायक यात्रा की विधि तो अत्यंत सरल है। इस यात्रा में पूर्ण श्रद्धा से बिना कहीं रुके और बिना कहीं और जाए यथाशक्ति से दान पुण्य करते हुए अष्ट विनायक कथा का वाचन और श्रवण के साथ सदाचार और सात्विक जीवन के नियमों पर स्थिर रहकर जहां से यात्रा आरंभ हो वहीं उसका अंत करना होता है। यात्रा के आरंभ और अंत में गुरुओं और ब्राह्मणों को भोज कराना भी अनिवार्य है। अब आप निष्ठा से इस यात्रा को पूर्ण कीजिए, तब आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा और अष्ट विनायक यात्रा का आरंभ मयूरेश्वर से होता है, फिर सिद्धि टेक के सिद्धि विनायक, बलालेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक, विघ्नेश्वर और अंत में महागणपति मंदिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सभी अष्ट विनायक दर्शन के उपरांत मयूरेश्वर लौटकर आप अपनी यात्रा संपन्न करेंगे और आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज से हम विधि विधान से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। सप्त ऋषियों को भोजन और दान के बाद हमारी यात्रा आरंभ होगी। गरुजी, चलिए गरुजी। देवी, हम मयूरेश्वर धाम के निकट हैं। यहाँ से हमें प्रभु महागणाधिपति के सभी भक्तों के समान पद यात्रा करनी चाहिए। अवश्य स्वामी, सभी भक्तों के समान इस भक्ति यात्रा में जाना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
मयूरेश्वर की जय। मेरी भी यही कामना है कि देवी लक्ष्मी की ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो और उन्हें भी पुत्र गणेश के समान संतान का सौभाग्य प्राप्त हो। विधि का विधान तो अटल है, स्वामी हम मयूरेश्वर धाम पहुंच गए, अब यहां से हमारी यात्रा आरंभ होगी। मयूरेश्वर के अद्भुत रूप के बारे में मुझे बताने की कृपा कीजिए। उचित है देवी, मैं आपको प्रभु मयूरेश्वर श्री गणेश की कथा सुनाता हूं। आइए देवी, आसन ग्रहण कीजिए। श्री गणेशाय नमः। मयूरेश्वर भगवान की कथा इस प्रकार है। सतयुग में ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट विनायक अवतार लेने के बाद प्रभु महागणाधिपति जी त्रेता युग में ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के आश्रम में महादेव और पार्वती के पुत्र के रूप में अपने मयूरेश्वर श्री गणेश अवतार में अवतरित हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि कश्यप और देवी अहिल्या सभी शिष्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ज्ञान प्रदान करने के साथ धर्म का प्रचार करते थे, किंतु धर्म और अच्छाई का संतुलन बिगाड़ने अधर्म और दुष्टता का जन्म होने वाला था। भगवान अधर्म को मिटाने, अच्छाई और बुराई में संतुलन स्थापित करने के लिए ही अवतार लेते हैं देवी। और अब ऐसा समय था जब संसार में बुराई फिर अपना शीश उठाने वाली थी। शौनक ऋषि के सुझाव पर असुर राज चक्रपाणि और उनकी पत्नी उग्रा पुत्र प्राप्ति की कामना में सूर्य देव की तपस्या आरंभ कर चुके थे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। किंतु जब उनकी तपस्या उनके चरम पर पहुंची तो महारानी उग्रा से एक भूल हो गई। जब दोनों पति पत्नी को सूर्य देव के दर्शन प्राप्त होने लगे तो उनकी पत्नी सूर्य देव के तेज से इतनी प्रभावित हुई कि एक पल के लिए उन्हें सूर्य देव उनके पति के रूप में दिखने लगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। क्या हुआ प्रिय? क्षमा महाराज, क्षमा। तपस्या करते करते
अचानक मुझे क्षणिक आभास हुआ जैसे आपके स्थान पर स्वयं सूर्यदेव हूँ, किंतु ये उचित नहीं है। रानी उग्रा सूर्यदेव के तेज से प्रभावित थी और सूर्यदेव की कृपा भी उन पर हुई, किंतु रानी उग्रा की इस भूल के कारण उनका पुत्र सिंधु क्रूरता का अभिप्राय बनने जा रहा था एवं सिंधु के आतंक का अंत करने महागणाधिपति अपना मयूरेश्वर अवतार लेने जा रहे थे। आशावादी व्यक्तियों का हृदय आशा के प्रकाश से सदा प्रकाशित रहता है और यही प्रकाश व्यक्ति के भाग्य को प्रकाशित करता है।